चिल्ड्रन टुडे इन एसएसटी आवर टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट्स हैं उसके कौन कौन से घटक है। पहले तो आपको ये जानना है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। आप जिसमें सांस ले रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ से आप खा रहे हो और जहाँ पे आप रह रहे हो, ये सब कुछ इन्वायरमेंट का हिस्सा है। मतलब आपके आसपास जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इन्वायरमेंट है। लेट अस स्टार्ट। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो इन्वायरमेंट है वो हमारी बेसिक लाइफ, जो हमारी लाइफ है उसकी सपोर्ट का सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, ये हमें प्रोवाइड कराता है एयर सांस लेने के लिए, द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, एंड द लैंड वेयर वी लिव, और वो लैंड वो धरती जहाँ पर हम रहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर लिविंग। इसमें हम इंक्लूड्स करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड, जो ह्यूमन बीइंग ने अपने जो सुविधाएं हैं, अपने लाइफ को अच्छे ढंग से जीने के लिए जो थिंग्स बनाई हैं वो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। ये हमारी नेसेसरी है, हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। अब आप देखिए, अगर एनिमल्स ना हो तो हमें दूध कैसे मिलेगा, अगर प्लांट्स ना हो तो हमें एयर कैसे मिलेगी। मतलब हर चीज़ एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हमारी लाइफ की ज़रूरतें हैं जो हम एक दूसरे से पूरी करते हैं। थस इन्वायरमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। जो इन्वायरमेंट होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है नेचुरल, जो प्रकृति ने हमें दिया है। सेकेंड है मैन मेड, जो इंसान ने बनाया है। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। आगे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, और बायोलॉजिकल मतलब जैविक इन्वायरमेंट। आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, फिजिकल इन्वायरमेंट। फर्स्ट हम जानेंगे कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर, एयर। फिजिकल इन्वायरमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जैसे लैंड, धरती जिस पर हम रहते हैं, वाटर जिसको हम पीते हैं, और एयर जिसमें हम सांस लेते हैं। अब है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में हम वो इंक्लूड्स करते हैं जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो चीज़ें ब्रीथ कर रही हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको हम बायोलॉजिकल में रखते हैं। नेक्स्ट है, एनी मेजर चेंजेस इन फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ बॉर्न टू ब्रिंग चेंज इन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है तो वो सीधा इफेक्ट करता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ सॉयल टेकन ईयर टुगेदर कैन नॉट बी विजुअलाइज थ्रू आवर सेंस। आप देखेंगे कि जो ये धरती है, सॉयल है, इसकी जो लेयर्स बनती हैं, आप देखेंगे कि हम खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं उस पर, ज़मीन पर, तो उसकी कुछ लेयर बनती हैं, कुछ टूटती हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है कॉन्टीन्यूटी में, तो इसको हम बोलेंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सेकेंड है, ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी सडन। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अचानक से होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ग्रेजुअली होते हैं, मतलब कॉन्टीन्यूटी में जो प्रकृति में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सडनली होते हैं, अचानक से हो जाते हैं। लाइक द चेंज ब्रॉट अबाउट द कॉन्क्रेंस ऑफ एन अर्थक्वेक और ए वैल्केनो एट्सेट्रा। जो अर्थक्वेक आते हैं यानी कि भूकंप होता है, और वैल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, जो आप देखते हैं कि धरती को फाड़ के जो ज्वालामुखी निकलता है उसको वैल्केनो बोलते हैं। जो गर्मी है पृथ्वी की, वो धरती को फाड़ के अर्थ को बीच में से निकल जाती है, इसको हम वैल्केनो कहते हैं। तो ये अचानक से होते हैं, ये तो सडनली हुए, और जो ये प्रोसेस है लेयर वाला, जो सॉइल की लेयर्स बन रही हैं, ये कॉन्टीन्यूटी में चलता है, ग्रेजुअली ये चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है फोर्स फेयर्स। हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें फोर्स फेयर्स हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर्स फेयर्स, लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, ये फोर पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। इन स्फेयर्स का नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या इनका कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम है, इसमें बीच में जो अर्थ है, सेकंड इधर लैंड है, लैंड है वो लिथोस्फेयर, द स्फेयर ऑफ रॉक्स, मतलब जो रॉक से बनी हुई है यानी कि लैंड। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर, एटमॉस्फेयर में क्या होती है एयर। और सेकंड है हाइड्रोस्फेयर, द स्फेयर ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फेयर के अंडर हम वाटर को इंक्लूड करते हैं। बायोस्फेयर लाइफ, जहाँ पर हम जी रहे हैं, बायोस्फेयर में हम लाइफ को इंक्लूड करते हैं। नाउ अब इनको हम चारों को सेपरेट सेपरेट जानेंगे कि क्या होता है ये। फर्स्ट है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होते हैं? द लिटरली मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर इज़ द स्फेयर ऑफ रॉक्स। अगर हम लिथोस्फेयर को समझें, लिथोस्फेयर होता है स्थलमंडल जहाँ पर हम रहते हैं। द लिटरल मीनिंग, इसका जो लिथोस्फेयर का हम मीनिंग समझते हैं वो है स्फेयर ऑफ रॉक्स यानी कि पत्थर, पत्थर का स्फेयर्स। लिथोस्फेयर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। अगर हम देखें कि जो हमारी ज़मीन है वो अंडर, पृथ्वी के अंदर की तरफ 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर का एरिया आता है। इज़ कंपोज ऑफ रॉक्स विच इज़ ए सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड सियाल। जो इसके अंदर जो रॉक्स हैं, सिलिका है या एल्यूमिनियम्स हैं, उनसे बना है सियाल। जो ये पत्थर हैं एल्युमिनियम और सिलिका के, इनसे बना है सियाल। बिलो द सियाल लेयर, अगर हम सियाल लेयर, पहले आई जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका 100 किलोमीटर लगाया, फिर उसमें आया सियाल लेयर। अब सियाल के लेयर के भी हम नीचे जाएंगे। बिलो द सियाल लेयर द रॉक आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड सीमा। जो सिलिका और मैग्नीशियम नाम के 2 रॉक्स हैं उनसे बना है सीमा। इट इज़ जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशन बेसिन्स। ये मोस्ट ऑफ कहाँ मिल जाते हैं? जहाँ पर समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई पर ये मिलते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ द स्फीयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में हम इंक्लूड करते हैं एयर को। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज एनवेलप एक्सटेंडिंग 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अर्थ के सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर इन इन्वायरमेंट में हम अगर चेक करें इसको तो ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है एटमॉस्फेयर। ये गैसों का एक एनवलप है, इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू द स्फेयर ऑफ वाटर। जो हाइड्रोस्फेयर है वो, उसको हम स्फेयर ऑफ वाटर बोलते हैं। विच इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। इसमें हम इंक्लूड करते हैं ओशंस को, जो समुद्र हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं और अदर जो भी छोटे छोटे वाटर के सोर्सेज हैं उन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं हाइड्रोस्फेयर में। द अर्थ प्लानट इज़ ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लानट और द ब्लू प्लानट। जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर पानी, वाटर है जो, वो ब्लू कलर का है, इसलिए हम जो अर्थ है उसको वाटर प्लानट भी बोलते हैं, उसको ब्लू प्लानट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसका कलर ब्लू होता है, इसलिए हम इसको वाटर भी बोलते हैं और वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं और ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड्स रिवर, लेक्स और सीज, ओशन 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका 71% एरिया जो है वो कवर है किससे? समुद्र से, रिवर से, लेक से, इन सब से पानी, मतलब इतना पानी है हमारी अर्थ पर। 71% एरिया उसने कवर कर रखा है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जीवमंडल जिसमें हम रहते हैं। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर में हम इंक्लूड करते हैं लाइफ को। बायोस्फीयर इज़ नैरो जोन to contact between all the zones 3 spheres of environment like all kinds of life exist। जो बायोस्फीयर है ये जो तीनों और स्फेयर्स हैं उनमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर इंसान जीता है, लाइफ होती है, यहाँ पर लाइफ है। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक हम कह सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स होते हैं रोगाणु, प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड। जो ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो माइक्रोब्स हैं ये हमारी अर्थ पर या उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसमें रहते हैं। द अर्थ सरफेस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। जो अर्थ है वो किस चीज़ से बनी है? लैंड से बनी है, वाटर और एयर। ह्यूमन बींग्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। और जो ह्यूमन बीइंग है वो जो बायोस्फीयर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग है, उसके बिना अर्थ पर कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देखिए डायग्राम है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर के तीन पार्ट होते हैं, एटमॉस्फेयर, सॉयल एंड वाटर। जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस होती हैं, जो प्लांट्स हैं वो आप देखेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। सॉयल कैसे बनती है, जो ड्राइड लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे सॉयल बनती है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर साइकिल सिस्टम कैसे होता है, जो रेन होती है या रिवर्स होती हैं उसका जो पानी होता है वो कंट्रोल करता है, वो जो अर्थ पर रहता है। मतलब इसकी थ्री स्फीयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, सॉयल हेल्थ एंड वाटर साइकिल। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। ये एक्ट क्या है और क्यों बनाया गया? आप जानते हैं द अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। जो पृथ्वी है वो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता से भरी हुई है। देयर इज़ ए डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉयल, प्लांट्स, एनिमल्स। उस पर एनिमल्स हैं, लैंड्स है, सॉयल है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हिज बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो विविधता है पृथ्वी पर, अर्थ पर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग प्रोहिबिटेड। मतलब जो एनिमल्स हैं, जो अवैध शिकार, मतलब एनिमल्स को मारना, किसी भी हम एनिमल्स को ऐसे नहीं मार सकते। दिस इज़ पुनिशेबल क्राइम अंडर ए लॉ। इसको ये एक पुनिशेबल क्राइम है, मतलब इसके लिए सज़ा मिल सकती है अगर कोई इस टाइप का वर्क करता है। दिस It is not on the duty of government to protect and preserve wildlife, but all of us are responsible. ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने अर्थ को सेफ्टी करें, बल्कि ये हर पीपल की, हर एक व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे पालतू जंगली जानवर है, जो जंगली एरिया है, उसको सेफ करें। I hope children you understand the topic of components of environment. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.